मैं हमारे छोटे साले भाई और बड़े साले भाई को ये संदेश देना चाहूंगा कि 4 साल 3 महीने में जितना मैंने तुम्हारी नीचे जो दम किया है ना, अब 5 सालों में तुम्हारे को बहुत दम करने वाला हूं। और जो जितने भी जो मुसलमानों को तुमने खरीद कर जो मेरे विरोध में जो वोट करवाया है, जो जितने भी जो मेरे विरोधी जो गौ हत्यारे हैं, उनको भी कहना चाहूंगा ये 5 साल तुम लोगों को मैं सुकून से रहने भी नहीं दूंगा। ये मैं चैलेंज करता हूं, सालों किसी को जीने नहीं दूंगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि एक तरफ गौ रक्षकों की टीम थी तो दूसरी तरफ गौ हत्यारों की टीम थी। एक भी गौ हत्यारों को मैं तेलंगाना में जीने नहीं दूंगा, ये भी मैं कहना चाहूंगा। भारत माता की जय, जय सियाराम। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सैयद वसीम, आप सबका भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित सारे लोगों को मेरा सलाम। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, वही हमारा जो हमारे मैं आपको लास्ट वीडियो में बोल चुका हूं आप लोगों को कि मेरे एक दो दोस्त है, वो ख्वाहिशमंद है ऐसे लोगों की बहनों से शादी करने के लिए। जो मेरे दोस्त है अब्दुल मोहित और अथर नाम के, वो दोस्तों के छोटे साले साहब भैया, बड़े साले साहब बोलो, जिसका नाम राजा सिंह है और वो गोशा महल कौनसन सिंह के एमएलए है बीजेपी से, बीजेपी पार्टी से, वो फिर अपना जहर उगल रहा है। अरे राजा सिंह, तुम लोग तेलंगाना में कितने, तुम लोग की पार्टी के कितने एमएलए थे, तुम लोग की बीजेपी एमएलए की अगर पूरे एमएलए भी अगर यहां रहे ना, जो थे पहले भी जितने एमएलए थे तुम लोग, जब क्या उखाड़ ले रहे आगे, तो अकेला रह गया उखाड़ लेता हूं क्या बोल रहा, तुम लोगों को दम कर देता हूं वो कर देता हूं। तू कुछ भी नहीं कर सकता रे लौंडे, तू खाली ये कर सकता तेरे ऑफिस में बैठ के वीडियो बना सकता, हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक खेल सकता, वहां बैठ के मुसलमानों के बारे में बुरा बोलना बस छोड़ देना, एक वीडियो बना देना, फिर मुसलमाना गालियां देते तेरे को, तेरी अम्मा बहन बीवी को बेटी को खाला को फुप्पू को गालियां सुन लेते हुए हंस लेते बैठना। ये गांव रक्षक ये बट्टेबाजी बात छोड़ दे, समझा, गांव रक्षा रक्षकों के बारे में बोलना छोड़ दे। गांव रक्षक और रक्षक का खाली ड्रामा है, नौटंकी है बेटे। गांव का कत्ल करने वाले तुम बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग ही छो है, क्योंकि जितना भी बीफ एक्सपोर्ट कंपनी है, मैं लास्ट टाइम भी बोल चुका हूं, मेरी वीडियो देख लीजिए आप लोग, मेरा पेज सैयद वसीम पेज है फेसबुक पे, आप चेक कर लीजिए, उसके ऊपर वीडियो है, या सैयद वसीम ऑफिशियल हो गया मेरा चैनल है यूट्यूब पे, आप वो चेक कर लीजिए। बीफ एक्सपोर्ट कंपनी जितनी भी है वो पूरी जो है तो हिंदुओं की है, समझे, बीजेपी के लोग चलाने वाले बेटे। गोश गाय का हिंदुस्तान से दूसरे ममालिकों में जो सप्लाई हो रहा है दूसरी कंट्रियों में, वो तुम लोग ही कर रहे हो और मुसलमानों का नाम धर रहे हो। बच्चे तू लौंडा है, बच्चा है तू, मेरे दोस्तों का साला है, समझा, तू कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, सिर्फ ये गांडू जो भी बात जो कर रहा तू, मेरा मुंह खराब नको कर, जो भी तू बात कर रहा है ये वो बात करने क्या से, तो और कुछ भी नहीं है, गीदड़ भपकिया बैठ के जो है बोल लेना, वो पुट्टे पुट्टों के संगात पी लेना, कभी अकेले बाहर निकल बेटे, अकेले बाहर निकल के सिक्योरिटी के साथ, सिक्योरिटी को छोड़ के बाहर निकल के फिर के बता, फिर बाद में बड़े बड़े बात कर, समझा लौंडे। और ये एमपी इलेक्शन आने से पहले जो है ये हिंदू मुसलमान का फिसाद की बात करना छोड़ दे, तेरा काम ही फिसाद करना है, ये सेकुलर मुल्क है, हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई यहाँ पे मिलके रहने वाले हैं, मिलके रहेंगे, तेरे सर के कुत्ते आते रहते भोगते रहते जाते रहते, हम तेरे बातों में नहीं आएंगे ना कभी लड़ेंगे, समझा। और मैं जितने भी भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे लोगों को ये कह रहा हूँ, ये कुत्ते के बातों में मत आइए, ये एक नौटंकी है और एक ये भड़वा है, बीजेपी का डल्ला है, बीजेपी का नौटंकी है, और बीजेपी वाले इसको खासकर ऐसे ड्रामे करने के लिए रखे हैदराबाद में कि हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स करते रहे, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की साजिश करते रहे। तो मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ, इसके बातों में मत आइए, लाइट लो लौंडा पट्टा है अपना बोल लेते रहता, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। भाई फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए वीडियो के साथ में, इग्नोर करिए इसको। अस्सलाम वालेकुम। ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपनी वीडियो के नीचे इस तरह का लाल रंग का बटन देख सकते हैं, रंग के बटन को दबाने के बाद हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो देखने को मिलती रहती हैं। जानकारी के लिए बता दें कि ये सेवा बिल्कुल ही मुफ्त है और इसके लिए कभी भी किसी तरह के पैसे नहीं लिए जाते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube